साथियों सबको नमस्ते। नमस्ते मैम, आप लोग कैसे हैं आज? ठीक। आपको याद होगा पिछली बारी जो हमने विषय चुना था, अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रखें, और हमने नशे के व्यवहार के बारे में कुछ सीखा था। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और गतिविधि करेंगे। इसमें जो हम जीवन कौशल इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है किस तरह से हम निर्णय लें। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें खतरे होते हैं, और युवाओं के सामने आज बहुत सारी और परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। कई बारी हमें मालूम भी नहीं होता, और कई परिस्थितियों में अपने आप से खतरा होता है, लेकिन बिना जाने हुए हम उस परिस्थिति में उलझ जाते हैं। यों तो अगर आप देखें तो त्यौहार मनाने में कोई खतरा नहीं है, लेकिन कई तरह के त्यौहार हैं हमारे संस्कृति में जिसमें कुछ खतरे भी हैं। उदाहरण के लिए अगर आप दिवाली लें, खुशियों का त्यौहार है, दियों का त्यौहार है, लेकिन आप देखते होंगे कि इसी दिन बहुत सारे जलने के हादसे हो जाते हैं। उसी तरह से होली का त्यौहार है, वैसे सबसे मिलने का, खुशियां मनाने का है, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है जो कि खतरा पैदा कर देती हैं और हमारे शारीरिक और हमें शारीरिक नुकसान भी पहुंचाती है। इस आज की गतिविधि में हम कुछ ऐसे ही खतरों वाली परिस्थितियों से अवगत होंगे, परिचित होंगे, और उसमें हमें कैसे निर्णय लेना है, कैसे खतरों को कम करना है, ये सीखेंगे। इस खेल में जिसका नाम है मैं क्या करूं, कुछ नियम हैं। मैं आपके साथ कुछ अब नियम बांटना चाहती हूं। आप अपने घरों में कभी एंटरटेनमेंट के लिए, कभी कुछ बदलाव के लिए, कुछ फ्रेश फील करने के लिए पासिंग द पार्सल नामक एक खेल खेलते हैं, जिसमें कि म्यूज़िक के साथ में तकिया एक से दूसरे व्यक्ति के बीच में पास किया जाता है, और जहाँ पे म्यूज़िक रुक जाता है और जिसके पास तकिया होता है उसे कुछ ना कुछ करना होता है। उसी तरह से ये भी एक पासिंग द पार्सल वाला ही खेल है। मैं म्यूज़िक नहीं यूज़ करूँगी, मैं ताली बजाऊँगी। जब हम समुदाय में काम करते हैं, अपनी कम्युनिटीज़ में काम करते हैं, हमारे पास बहुत सारे संसाधन नहीं होते, हमें कम से कम संसाधनों में भी काम करना आना चाहिए। तो अगर म्यूज़िक ना हो सकता है कि आपकी बैटरी, आपके मोबाइल की बैटरी चार्ज ना हो, या म्यूज़िक चलाने का कोई प्रावधान ही ना हो, सबके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं भी होते, तब भी हम ये खेल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अपने हाथ हैं जिससे हम ताली बजा सकते हैं। तो ताली ही एक म्यूज़िक का काम कर सकती है, तो इस गतिविधि में भी मैं ताली ही बजाऊंगी। जब मैं ताली शुरू करूं, उससे पहले मैं इस बॉक्स में मैंने कुछ पर्चियां रखी हैं जिसमें ऐसी परिस्थितियां जहां पे कोई ना कोई जोखिम या खतरा है। जैसे ही मैं ताली शुरू करूं, तो मेरे पास जो लड़की बैठी है उसकी बाएं तरफ जो लड़की है उसके पास वो बॉक्स जाएगा, और इस तरह से पूरे गोल में ये बॉक्स घूमेगा, और जहां मेरी ताली रुकी, जिसके पास ये बॉक्स है वो लड़की इस बॉक्स को खोलेगी और इसमें से एक पर्ची उठाएगी। पर्ची उठा करके उसमें जो लिखा होगा वो ज़ोर से पढ़ेगी। पर्चियों में मैंने जो भी लिखा है वो हिंदी में लिखा है ताकि आप सबको सुविधा हो। उस परिस्थिति को ज़ोर से पढ़ेगी, और उस परिस्थिति में वो क्या निर्णय लेगी, वो क्या करेगी, क्योंकि खेल का नाम है मैं क्या करूं। उस परिस्थिति में जो उसे करना चाहिए उसके बारे में वो सबके साथ शेयर करेगी। जब ये अपना जवाब दे दे तो बाकी अगर साथी कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो उसे जोड़ सकते हैं, और उसके बाद में अगर मैं कुछ जोड़ना है तो मैं भी कुछ उसमें जोड़। तो इस तरह से
खेल आगे बढ़ेगा। इसमें करीब 7 परिस्थितियां हैं, तो हम इसको सारे परिस्थितियों को पहले कवर करेंगे, सारी परिस्थितियों को समझेंगे, उसके जवाब जानेंगे और फिर इसका हम समापन करेंगे। तो क्या हम खेल शुरू करें? चलिए हम अब गतिविधि शुरू करते हैं। मैं इनके हाथ में बॉक्स दे रही हूँ और आप यहाँ पे आके बैठ जाएं ताकि गोल कंप्लीट हो जाए। क्या हम गेम शुरू कर सकते हैं? जी। मैं आपकी तरफ नहीं देखूंगी, मैं अपना मुंह उस तरफ करके ताली बजाऊंगी। हम अब गतिविधि शुरू कर रहे हैं। आप अपनी कामयाबी या सफलता को कैसे मनाओगे? हम अपनी कामयाबी को या खुशी, किसी भी प्रकार की अपनी सफलता को जाहिर करने के लिए हम अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे सकते हैं, या परिवार में खुशी का माहौल होता है तो हम अपने परिवार में ऐसी गेम खेल सकते हैं जिससे हमें कोई शिक्षा मिले, ना कि हम उस सफलता या कामयाबी को एक नशे का रूप देकर उस चीज़ को इतना बुरा ना करें कि उसके परिणाम हम ना समझ पाए कि उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। तो अपनी सफलता या कामयाबी को हम अपने परिवार या फ्रेंड्स के जरिए इस तरह से सेलिब्रेट करें कि ना उन्हें नुकसान हो, ना हमें नुकसान हो, ना आने वाले समय में उसे कोई प्रॉब्लम झेलनी पड़े। मैम, जैसे भारत अगर मैच जीत जाती है तो उसकी खुशी मनाने के लिए लोग पटाखे फोड़ते हैं, तो वो नुकसानदायक होता है हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी, हमारे आसपास के वातावरण के लिए भी। जब हम अपनी किसी भी कामयाबी या खुशी को सेलिब्रेट करते हैं और जो हम पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें अगर हम नशे की चीज़ों को यूज़ करते हैं तो जो लोग नशा कर रहे हैं ऑलरेडी वो तो उस चीज़ को करेंगे ही, जो नहीं करते वो भी उस चीज़ को यूज़ करेंगे और उनको भी वो हैबिट लगेगी। तो हम अपनी खुशी को, अपनी जो भी कामयाबी है उसको ऐसे सेलिब्रेट करें कि कोशिश करें कि जो लोग नशा करते हैं वो उस चीज़ से थोड़ा दूर रहें, उनको कोशिश करें कि वो चीज़ यहाँ पे ना लाए। खाली हम अपनी खुशी सेलिब्रेट करें, ना कि हम कोई जश्न मनाएं कि हम नशे को और बढ़ावा दें। बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़ाएंगे। बस ट्रेन से सफर करते हुए आपके सहयात्री आपको खाने पीने की चीज ऑफर करते हैं, आप क्या करोगे? अगर मैं कहीं सफर कर रही हूँ और मेरे सहपाठी मुझे खाने पीने की चीज ऑफर कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले मैं देखूंगी कि मैं उस व्यक्ति को कितना जानती हूँ और उसकी क्या क्या हैबिट्स हैं। अगर वो कोई नशीली चीज़ें नहीं लेती है या लेता है जो भी है, तो मैं उसकी उस ऑफ़र को ले लूँगी, जो भी मुझे खाने के लिए ऑफ़र कर रहा है मैं खा लूँगी। और अगर मुझे लगता है कि वो कुछ नशीली चीज़ यूज़ करती है तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल नहीं लूँगी, इनफैक्ट ले लूँगी। अगर वो ज़्यादा फोर्स करेगा कि ले लो, थोड़ा सा ले लो, मैं ले लूँगी, लेकिन मैं उसको खाऊँगी नहीं, बाद में उसको कहीं पर भी किसी भी जानवर को दे दूँगी। मैं बस ट्रेन में सफ़र करते समय हमें सेफ्टी से चीज़ लेते समय हमें ये भी देखना है कि वो हम उनको, उन्हें जानते हैं नहीं जानते, क्योंकि उससे अगर वो नशीली चीज़ हमें दे देगा तो हम नशे में हो जाएंगे और हमारे जो भी चीज़ हमने पहनी हुई जेवर या हमारा पैसा उसका भी नुकसान हो सकता है। जी, बहुत बढ़िया। कुछ साल पहले हम देखते थे कि जब हम बस से या ट्रेन से सफ़र करते हैं, 2-3 दिनों का सफ़र होता था, लंबा सफ़र होता था, तो वहाँ पे दोस्तियाँ बन जाती थी, एक साथ खाना पीना शेयर करना, खेल खेलना वगैरह बहुत आम था। लेकिन अब कुछ सालों से हम ये देखने लगे हैं कि इस परिस्थिति के अंदर भी खतरे पैदा होने लगे हैं। आज लोग नशीली चीज़ों को बहुत सामान्य रूप से यूज़ करने लगे हैं। कहीं कई कई जगह पर हम ये भी देख रहे हैं कि खाने की सामग्री में इसको मिला दिया जाता है या कुछ सुंघा दिया जाता है, चाहे उसे मिठाई में या जो आप पी रहे हैं उसके अंदर घोल करके। इससे क्या हो रहा है कि हमें पता नहीं लगता और वो चीज़ हम खा लेते हैं या पी लेते हैं और हमें नुकसान हो जाता है। और नुकसान सिर्फ शारीरिक नहीं है, जैसे कि हमारी एक साथी ने कहा, जो भी आपने पहन रखा है, कोई अगर आपने सोने की चीज़ पहन रखी है, आपकी मोबाइल है, घड़ी है, ये सारी चीज़ भी चोरी हो जाती हैं। तो आज हम सब युवाओं को और सभी लोगों को यही राय दे रहे हैं कि हाँ, दोस्ती कीजिए, लेकिन खाने पीने की चीज़ आप शेयर ना करें,
क्योंकि आज ये खतरा बढ़ गया, पहले ये खतरा नहीं होता था, हम लोग कभी भी इसको महसूस नहीं करते थे, लेकिन अब कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि ऐसी चीज़ें, खास करके नशीली चीज़ों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और वो गलत कामों के लिए, जैसे हमारी एक साथी ने बताया कि उसकी नीयत ख़राब है जो कि इस तरह की चीज़ आगे बांट रहे हैं, इवन प्रसाद के नाम पे आजकल धोखा मिल रहा है। तो कभी भी अगर आप, कोई भी आपको प्रसाद देता है तो हम सब जानते हैं कि भक्ति के नाम पे हम लोग किसी चीज़ को मना नहीं करते, लेकिन जिसको आप जानते नहीं हैं, हमारी राय यही रहेगी कि उससे वो चीज़ आप ना लें, एक्सेप्ट ना करें, ग्रहण ना करें, क्योंकि आपको पता नहीं कि उसकी नीयत क्या है। आप जानते होंगे कई तरह के दातुन जिस तरह आज चल रहे हैं, खास करके पाउडर्स के रूप में, उसमें नशीली चीज़ें होती हैं, तंबाकू होता है। हमें लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश महसूस हो रहा है, लेकिन असल में उसके अंदर नशीली चीज़ें हैं और जो आपको एक आदत और लत बना देती है। हम शुरू कर रहे हैं आगे गेम। होली शिवरात्रि जैसे त्योहारों को हमें किस तरह मनाना चाहिए? मैम, परिवार के साथ हमें अपनी ये त्यौहार मनानी चाहिए और ये देखना चाहिए कहीं हमें कोई नुकसान ना पहुंचे, बाहर के फ्रेंडों से बात नहीं करनी चाहिए जो हमें गलत राह दिखाएं। गलत राह यानी? यानी कि नशे वगैरह से, नशे की तरफ ले जाएं। होली है, दिवाली है, होली पे ज़्यादातर ड्रिंक करते हैं लोग, बाग आओ चलो ड्रिंक करते हैं, तो हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए, अपने परिवार के साथ खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए। और शिवरात्रि में क्या होता है, क्योंकि मैंने होली की बात रखी है और शिवरात्रि, खास करके ये त्यौहार लिए हैं जहाँ पे ज़्यादातर नशीली चीज़ों का इस्तेमाल होता है। शिवरात्रि में लोग भांग पीते हैं, वो इतनी पीनी ही नहीं चाहिए, हमें दूर रहना चाहिए उससे, वो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाती है। होली पे लड़के ड्रिंक कर लेते हैं, फिर घर घर जाके रंग लगाते हैं दोस्तों के बहाने, फिर लड़कियों को ना गलत टच करते हैं गालों पे और कमर में, हाथ रंगों के हिसाब से, यानी कि छेड़ते हैं उनको, और गलियों नुक्कड़ों पे अगर लड़की वगैरह जाती तो कमेंट करते हैं गंदे गंदे, और क्या बोलते हैं, बुरा ना मानो होली है। और इससे लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है कई बार ड्रिंक करके, वो गाड़ी इतनी तेज चलाते जिससे एक्सीडेंट हो जाता है और लोगों की जान चली जाती है। जब आप नशे में होते हैं तो आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे गलत काम, जैसे एक्सीडेंट्स हो जाना, किसी को छेड़ना, कई बार लड़ाई झगड़े में मौतें भी हो जाती हैं इतने, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता, आप इतना उलझ रहे हैं क्योंकि आपके मानसिक स्थिति ठीक नहीं है उस समय। तो वैसे तो हम कह रहे हैं कि त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में कुछ ऐसे त्यौहार हैं जहाँ पर बहुत आराम से मान्यता मिल गई है नशा करने की, शिवरात्रि और होली जैसे त्यौहारों पर। लेकिन हम अपनी संस्कृति में समझते हैं कि त्यौहारों को तो धर्म के साथ जोड़ के, पूजा पाठ या खुशी मना करके मना लेना चाहिए, ना कि नशे के साथ जोड़ करके। ठीक है, नशे के साथ की जो मान्यता है वो हमें ख़त्म करनी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आज आप युवा वर्ग हैं, क्या आप कोई पहल कर सकते हैं कि हम अलग तरीके से मनाएं? क्योंकि जो बदलाव लाना है समाज में युवा वर्ग ही लाएगा, और हम ये देख रहे हैं कि पीढ़ियों से यही चल रही है, और हम भी कभी कभी सोच लेते हैं कि क्या बदलेगा, हमसे तो कुछ बदल नहीं सकता। क्या हम ऐसा संकल्प ले सकते हैं मैम, जैसे परिवार के साथ एक साथ मिलकर या दोस्तों के साथ कोई गिफ्ट देके या कोई गेम वगैरह खेल के मनोरंजन, घरों में साज सजावट करके जैसे रंगोली वगैरह उसमें कंपटीशन भी रख सकते हैं। जी बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, जैसे कि ज्यादातर दशहरा दिवाली पे होता है, मनोरंजन भी होगा और उसमें आर्ट की कला बिल्कुल, और लोगों का जुड़ाव भी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप एक अगुवाई कीजिए अपने समुदाय में, एक नए टाइप की होली बनाएं। मैम हम बताएं क्या आप करेंगे? यस मैम। और मैं बहुत मैं चाहूंगी कि आप करें और इसकी रिपोर्टिंग भी हमें दें कि किस तरह से आपने, चाहे छोटी शुरुआत की है, हो सकता है 10 लोग आपके साथ जुड़े हों, हो सकता है 20-25 लोग ही जुड़े हों, लेकिन एक नई शुरुआत करें जिसमें कि नशा ना हो और किसी तरह से खतरा ना हो। विधवा है, वो होली नहीं खेलती है, तो उसके साथ हमें होली खेलनी चाहिए, रंगों का इस्तेमाल करके, नेचुरल कलर का, उनको थोड़ी खुशी दे सके। ये जो आजकल शादी पार्टी में इतना खाना वेस्ट करते हैं लोग, बा किसी गरीब भूखे को किसी को दें, नालियों में फेंका जाता है खाना, जितना ही लें जितना खा सकें हम, और किसी गरीब को दें तो कोई दुआएं देगा। हमारे देश में खाने की कोई कमी नहीं है, परंतु बड़े लोगों को मानना है कि हम किसी गरीब को ना देकर ये वेस्ट कर दें। और होली पे ज़्यादातर लोग बाग पानी वेस्ट करते हैं, वो कभी वेस्ट ना करें, क्योंकि आने वाली जनरेशन को पानी की बहुत कमी होगी, जिससे कि जीवन दुभर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। जय
कर रहे हो? घर से बाजार जाते हुए आपके जान पहचान का व्यक्ति एक पैकेट की डिलीवरी की गुजारिश आपसे करता है, मतलब आपको पैसे भी देता है उस चीज़ के, आप क्या करोगे? तो अगर ऐसी स्थिति अगर मेरे ऊपर आती है तो पहली बात तो मैं उस पैकेट में देखूंगी कि इसमें है क्या चीज़, और अगर उसका पैकेट पार्सल करने का काम उसका है और मुझे कुछ काम है तो मैं बहाना लेके या कुछ ना कुछ, पहली बात तो उसमें देखूंगी कि है क्या चीज़ उसके अंदर और पैसे भी दे रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है कुछ गलत ही चीज़ होगी। तो इसका मतलब खतरा हमें पहले मालूम होना चाहिए, जैसे इन्होंने कहा, क्योंकि वो मुझे लालच देगा कि मैं तुझे इतने पैसे दूंगा वो वहाँ पर जाकर पहुँचा दो, उसमें रिस्क भी है। किस तरह का रिस्क हो सकता है उसमें? पुलिस का भी है, उसमें फंसने का भी डर है, और उसमें हो सकता है बम भी हो, या उसमें मेरी जान पर भी बन सकता है, या ड्रग्स भी हो, ड्रग्स भी हो सकती है, या ऐसी चीज़ हो जो कि आपको कानून के जी। तो मैम उसकी कंप्लेंट मुझे आगे तक करनी पड़ेगी, जैसे पुलिस पुलिस में। बहुत बढ़िया। इस गतिविधि में हमने कुछ ऐसी सिचुएशंस, ऐसी परिस्थितियों पर बातचीत की जहाँ पे हम पहले सोचते तो नहीं थे कि खतरा है, लेकिन आज खतरे की सिचुएशन आ गई है। आपको इस गतिविधि से कुछ नया सीखने को मिला? आप कुछ बता सकते हैं क्या आपने नया सीखा इस गतिविधि द्वारा? यस मैम। बताएं। मैम मैं ये सीखी कि जैसे इन्होंने बताया कि हमारे दोस्त थक गए तो वो वीडियो बना लेते हैं, फिर ऐसे होटलों में ले जाके ये सब। आपको इसके बारे में मालूम नहीं था ज़्यादा? मैम पता था। पता था, ओके। हम जब लाइफ स्किल्स सीखते हैं और सिखाते हैं तो यही हम सिखाते हैं कि अपने सोच को हमेशा स्ट्रांग रखिए, और डिसीशन या जो निर्णय लेना है वही चीज़ आपको बना देती है या बिगाड़ देती है सिचुएशन को, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको लाइफ लॉन्ग या पूरी ज़िंदगी भर का नुकसान हो सकता है। जैसे इधर बाईचा आपने एक जूस पिया जिसके अंदर कुछ नशीली चीज़ थी, आपको नहीं पता था, अनजाने में। ये ऐसी सिचुएशन है कई बार अनजाने में हम कर जाते हैं, लेकिन कम से कम ये इससे आप परिचित तो हो जाइए कि यहाँ खतरा हो सकता है, और आप जितने लोगों के साथ काम कर रहे हैं उन्हें भी बताएं, अपने घरों में बच्चे हैं उनको शिक्षा दें, आसपास में समुदाय में आप उनको अलर्ट रखें, सचेत रखें कि ऐसी सिचुएशन से कैसे बचना है। तो यहाँ पे एक तो सोच, और हमें कैसे हर सिचुएशन में निर्णय लेना आना चाहिए, भावनाओं में नहीं बहें, सोच का इस्तेमाल करते हुए निर्णय लें। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस गतिविधि में भाग लेने का। आपका भी थैंक यू। और हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जी, ओके।